सो आई वेलकम 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 सो वेलकम टू दिस वीडियो फॉर द पास्ट थ्री फोर ईयर्स वी एव बिन सीन की बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स यूनिवर्सिटी ऑफ डेली के बारे में कॉन्टेंट बनाने लगे हैं एंड पिछले पाँच छः सालों से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेली में हूँ ड्यू टू डे कोशिश कर रहा है कि स्टूडेंट्स को एक ऑनेस एंड रियलिटी चेक वाला कॉन्टेंट प्रोवाइड करे जिससे दे नो द रियलिटी सो फर्स्ट ऑफ आल कॉन्ग्रेचुलेशन की आपके एग्जाम्स पूरे हो गए हैं एंड यू हैबाउट यूर कॉलेज लाइफ एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग हमारी यूनिवर्सिटी को आज कुछ भी बोले कितना भी बोले, बट इस यूनिवर्सिटी से खूबसूरत कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है एंड इन माई ओन टर्म्स दिस यूनिवर्सिटी विल बी योर होम सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस दिल्ली यूनिवर्सिटी रेलिया स्कैम बिकॉज थमनेल के लिए बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स ऐसी चीज़ें लिख देते हैं बट ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे आज आज हम लोग दस पैरामीटर्स पे बात करने वाले हैं वो आपको यहाँ साइड पे दिख रहे होंगे सो स्ट्रेट वे कमिंग टू द पॉइंट एक बहुत बड़ा मिथ आपके दिमाग से मैं निकाल देता हूँ उन लोग सोचते हैं कि नॉर्थ कैंपस ही नॉर्थ कैंपस है उसके अलावा कुछ भी नहीं है और किसी कॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है एंड एक बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया डिबेट भी रहती है नॉर्थ कैंपस वर्सिस साउथ कैंपस बट आई वॉन्ट टू टेल यू यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड ऑफ सारे कैंपसेज अवेलेबल हैं ठीक है अब इसका क्या मतलब है सो so बेसिकली जो इनिशियल कॉलेजेस थे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी जो कॉलेज एरिया है वो सब एक दूसरे के आसपास थे वो नॉर्थ कैंपस हो गया है ठीक है अब नॉर्थ कैंपस में 10 11 कॉलेजेस आपके एस आर सी मिरांडा डी आर सी हिंदू स्टीफन सब आसपास में हैं तो एक कल्ट सा क्रिएट होता है एक कल्चर सा क्रिएट होता है बट वहीं आप देखें तो साउथ कैंपस जो है साउथ कैंपस थोड़ा सा कमर्शियल एरिया की तरफ ज़्यादा है वहाँ पे एक कॉलेज एक जगह है फिर वहाँ से एक किलोमीटर दो किलोमीटर दूर है बट यहाँ पे दो किलोमीटर के अंदर ही सारे कॉलेजेस हैं तो बस इससे ज़्यादा कोई और डिफ़रेंस है नहीं बट इस वजह से बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस एक एस्थेटिक्स डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अब अगर दो किलोमीटर में सारे कॉलेजेस हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेक्शन कोई भी कॉलेज आपको मिले हम लोग शुरुआत से डिबेट में रहते हैं कि नहीं इस कॉलेज में मैं एलिजिबल हूँ ये मेरा बेस्ट कॉलेज है मुझे तो एस चाहिए मुझे तो हिंदी चाहिए मुझे तो स्टीफन चाहिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है आप रख सकते हो आपकी एक्सपेक्टेशन बट अगर आपने उस हिसाब से मेहनत करी होगी तो आपको मिल भी जाएगा बट अदर देन डैट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स ओनली फ्यू इन देंस कि देर आर लिमिटेड सीट इन अ पर्टिकुलर टॉप कोर्स फॉर एग्जाम्पल पॉल साइंस का कोर्स है हिंदू से वो इंडिया का बेस्ट पॉल साइंस कोर्स है तो वहाँ पर लिमिटेड सेट ऑफ हंड्रेड स्टूडेंट्स वन फिफ्टी स्टूडेंट्स जो भी आते हैं वो वही आ सकते हैं बट बाकी कहाँ जाएंगे बाकी भी तो हमारे दूसरे कॉलेज में जाने वाले होंगे नाउ द फैक्ट इज कि यू एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड आई कैन गिव यू दिस इन रिटर्न कि अगर आप तीन साल किसी भी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यू विल नॉट बी लाइक कि यार मेरे को ये कॉलेज पसंद नहीं आया ठीक है यू विल क्रेब अबाउट इट बट यू विल नॉट से यार इससे बेटर कॉलेज नहीं मिल सकता था यू विल डेफिनेटली से दिस थिंग एंड आई हैव आस्क्ड इट टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल अब छः साल से यूनिवर्सिटी में तो सबको ही देखा है अपने कॉलेज से बढ़िया कोई भी कॉलेज नहीं होता जो आपको कॉलेज मिल जाए वो आपका कॉलेज होने वाला है एंड दो एंड द अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट फ्राम नॉर्थ कैम्पस इज़ नॉट लिमिटेड टू दम वो हर कॉलेज के स्टूडेंट के ऊपर है एंड दिस इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर जो अब होने वाला है कि क्या डेली यूनिवर्सिटी एजुकेशन के नाम पर इसके अहम है जो बहुत सारे लोग टाइटल डाल देते हैं डेफिनेटली नो no. हमारे प्रोफेसर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है बट हाँ इसका कोई डिनयल नहीं है कि मिस मैनेजमेंट टाइम टेबल मैनेजमेंट एंड ऑर्डॉक्स एडहॉक प्रोफेसर्स का बहुत सारा इश्यूज चलता रहता है परमानेंट प्रोफेसर्स का बहुत सारी क्लासेस के भी इश्यूज चलते रहते हैं बट द क्वालिटी ऑफ पीपल द क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर द क्वालिटी ऑफ़ प्रोफेसर्स इज़ इम्पैकेबल इंडिया में बेस्ट टीचर्स आपको यहाँ मिलने वाले हैं मेरे खुद के टीचर की जो जो मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की टीचर थी वो शॉर्ट sort ऑफ of हमारी क्लास टीचर भी थी तो उनकी तो उनके पास 18 साल का एक्सपीरियंस था उनकी कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी यूनिवर्सिटी में बुक चलती थी नाउ जस्ट इमेजिन जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं जिस बुक से पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ रही है वो टीचर आपको खुद ही पढ़ा रहा है ठीक है साइकोलॉजी में ले सकते हो आप अकाउंटिंग में ले सकते हो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मेजर कॉमर्स एंड आर्ट बुक्स वर रिटन बाय डेली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स बहुत अच्छी है एंड द इज नोट डिनाइंग दैट बट क्या ये जो एजुकेशन के नाम पे आप डेली यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं वो आपको फायदा देगा नहीं देगा एंड टू बी वेरी फ्रैंक दिस इज़ वेरी ऑनेस्टी एंड आई डोंट थिंक सो कि एनी वन वुड डिस टू दिस बट डेफिनेटली दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शल स्टेटमेंट कि एजुकेशन स्टैंडर्ड के हिसाब से द जॉब मार्केट इज नॉट बट वी आर गिविंग टू आर स्टूडेंट्स ठीक है तो यू एज अ इंडिविजुअल हैव टू आउट ग्रो योर पर्सनैलिटी योर कॉलेज योर कोर्स आपने बी कॉम किया यहाँ पे सत्तर हज़ार बच्चे एक लाख बच्चे हर साल आते हैं आप कैसे आउट करोगे वो बहुत मैटर करेगा तो यस ऑन द पर्टिकुलर लेवल कोई भी यूनिवर्सिटी इंडिया में कहीं भी हो वो आपको अब ऐसे प्रपेयर नहीं कर रही कि आपको जॉब मार्केट के लिए प्रपेयर कर रही है बट द क्वालिटी एजुकेशन इन डेली यूनिवर्सिटी इज़ इम्पैकेबल तो मेजर डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाता है कि यार प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं हम तो बस ग्रेजुएट्स करके आ गए बस मास्टर्स करने लग गए बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं वो लोग परेशान होते हैं जो अपने अंदर स्किल ऐड नहीं कर पाते एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल थिंग टू अंडरस्टैंड एट अर्ली स्टेज कि यार तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी होगी तुम्हारे अंदर स्किल बिल्डिंग की कैपेसिटी होगी तुम्हारे अंदर एक्सपर्टीज़ बनना शुरू होगी तुम्हारे नेटवर्किंग होना शुरू होगी उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी ना भले ये आप साउथ कैंपस ऑफ कैंपस किसी भी कैंपस से हो वो आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो आई एल पर्सनली रिक्वेस्ट पीपल टू स्टॉप यूजिंग सच थिंग की डेली यूनिवर्सिटी इज अ स्कैम बिकॉज हम भी इसको थंबनेल में यूज़ करेंगे बट हम क्यों कर सकते हैं हम क्यों बोल सकते हैं इस बारे में बिकॉज यहाँ इस यूनिवर्सिटी में छः साल से बैठे हुए हैं यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है कोई भी आउटसाइडर आके हमारी यूनिवर्सिटी को अपने घर के ऑफिस में बैठ के कुछ भी बोल दे वी विल नॉट डेफिनेटली एक्सेप्ट ओके सो लेट्स गेट इन टू द टेन थिंग्स जो हम लोग बात करने वाले हैं पहली चीज़ तो अपना एडमिशन करवा लो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद देखेंगे क्या होने वाला है ट्रुथ अबाउट फ्रेशर्स तो जब आप फ्रेशर्स करते हो अब यहाँ सेवेंटी सेवन कॉलेज सब लोग गवर्नमेंट सपोर्टेड कॉलेजेस है कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी होगी ना वो इतनी शानदार सबकी नहीं होती तो आपको जो फ्रेशर्स मिलती है ना वो सिंपल फ्रेशर्स मिलती है कि हाँ आप कॉलेज जाना शुरू कर दिया आपके टीचर्स को दिख गया ये ये स्टूडेंट्स है तो आपकी एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट की फ़्रेशर्स हो जाएगी जिसमें आप लोगों को मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा रैम्प वॉक करवा देंगे थोड़ा सा डांस वांस करवा देंगे उससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है ठीक है बट दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू हाईलाइट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ टीचर्स एंड अदर्स तो इससे ज़्यादा फ्रेशर्स की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कोई इतना ज्यादा फैंसी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं होने वाला है बिल्कुल भी नहीं होने वाला है अगला आते फ्रेंडशिप अगला आते हैं फ्रेंडशिप्स तो ओवरऑल तीन साल में पर्सनली सेइंग आई हैड अ ग्रुप ऑफ टेन पीपल एंड उनमें से एक दो जो मेरा इनर सर्कल था वो तीन लोगों को था इन इट वॉज वेरी नाइस

सोसाइटीज़ में आपको पीछे खींचा जाएगा सोसाइटी पॉलिटिक्स होगा क्लास में होगा सबसे हंसी मजाक वाली दोस्तियाँ भी होंगी बट एट द एंड ऑफ द थ्री ईयर्स देर विल बी ओनली वन और टू और थ्री पीपल जिनकी दोस्ती बनने वाली है आपके साथ टिकने वाली है एंड एक बहुत ही इंटरनल मीम यूनिवर्सिटी में चलता है हमारे कि आप शुरू करते हो दस लोगों से आपका फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज इज़ टेन पीपल बट तीन साल तक आते आते देर इज़ टू और थ्री पीपल तो ये ऐसी चीज़ होने वाली है तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल ही शानदार फ्रेंडशिप गेम रखेंगे बट हाँ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि ऐसा बहुत लिमिटेड नहीं है कि आपका कॉलेज फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज सीपी में था तो वो सीपी में ही लिमिटेड रह गया नहीं मेरे नेटवर्क्स नॉर्थ कैंपस में भी थे ऑफ में भी थे साउथ में भी थे तो हर जगह से आपको इंटरेक्शन मिलेगा और ये दोस्ती क्यों बन पाई बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग जो ऐसे काम आएगा तो आपके ऊपर हद से ज़्यादा डिपेंड करने वाला है कि आपका क्या नेचर है कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक पॉलिटिक्स अब देखो भाई पॉलिटिक्स का तो ना इंडिपेंडेंटली अलग वीडियो भी आएगा ही आएगा बट पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत बढ़िया है ठीक है एक यूनिवर्सिटी होती है जो पॉलिटिक्स को कितनी पर्टिकुलर टॉपिक्स को अवॉइड करती है अपने कैंपसिस में ठीक है बट डेली यूनिवर्सिटी का एक मेजर पिलर उसका पॉलिटिक्स है वी एम्ब्रेस इट वी वी सॉर्ट ऑफ फाइट अगेंस्ट इट बट वी वॉन्ट टू टेक पार्ट इन इट वी आर पार्ट ऑफ इट वी आर इन आर ब्लड इट इज़ इंकलकेटेड इन आर ब्लड पॉलिटिक्स क्लास से ले कर सोसाइटी से ले के स्टूडेंट यूनियन से ले कर डूसू तक सब में पॉलीटिक्स हो रही है एंड ऐसी पॉलिटिक्स बहुत रेयरली आपको ओपनली देखने को मिलेगी जो भी आपके हम लोग और भी कॉन्टेंट डालने वाले इंस्टाग्राम पर पॉलिटिक्स वाले जो हमारी वीडियोज़ थी रस्ते पर जगह नहीं रहती थी खड़े रहने के लिए बैलेट पेपर ही बैलेट पेपर जनता घूम रही है गाड़ी स्कॉर्पियो एक्स यूवी फाइव डब्ल्यू फॉर्चुनर बी एमडब्ल्यू ऑडी रॉल्स रॉय सब आ रही है यूनिवर्सिटी में बच्चे उनमें बैठ बैठ के अपना नेता प्रचार ही कर रहे हैं क्यों पैसा है पॉलिटिक्स घुसा हुआ है पूरे मजा आता है करने में लोगों को यहाँ इस पे तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाली है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है उसका पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छे से आपको पॉलिटिक्स दिखने वाला है पॉलिटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स के इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि थ्रेट या फिर दबाव पन या फिर दबाना एक दूसरे को लड़ाइयाँ तो उन सब का भी एंगल्स रहता है बट उसके लिए हमने डेडिकेटेड वीडियोज़ की पॉलिटिक्स की लाने वाले होंगे अब आते हैं इंटर्नशिप्स पर तो रिसेंटली ये देखा जा रहा है कि यार ट्वेंटी नाइनटीन में जब थे तब लिंकडिन कोई ज़्यादा फॉलो नहीं करता था एवरी वन वॉज लाइक कि कॉलेज जाओ आराम से हो घूमो फिरो सब कुछ बढ़िया है बट लॉकडाउन के बाद से ये देख लो यहाँ पे बड़ी अच्छी चिड़ियाँ बोल है, रही हैं और दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि दिस यूनिवर्सिटी इज़ सो इनिटली ब्यूटिफुल कि आप कभी भी आ जाओ ये बहुत सुंदर है लव गेटिंग बैक ऑन ट्रैक तो तब क्या था कि एवरी स्टूडेंट वॉन्टेड टू गो टू कॉलेज एंड गेट ओवर विद इट ठीक है देखेंगे अपॉर्चुनिटी का इंटर्नशिप क्या होगी नहीं होगी अब क्या है कि लॉकडाउन के बाद से एवरी वन हैज स्टार्टड टू जॉइन लिंगडिन और दिस सूडो रनिंग और कॉम्पिटिशन ऑफ गेटिंग द बेस्ट प्लेसमेंट और लाइक द बेस्ट इंटर्नशिप मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में कुछ ना कुछ फाड़ देना है अब ये एटीट्यूड बन गया है ये सूडो रन चल रही है कैंपसेज में ठीक है एंड दिस इज़ सॉर्ट ऑफ इंकलकेटेड अ वेरी बैड हैबिट इन द स्टूडेंट्स की यार मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली इसको कैसे मिल गई वो ये बहुत बढ़िया कर रहा है अपनी लाइफ में एंड देन यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग योर ओन वैल्यूज योर ओन प्रोग्रेस इन कॉलेज ठीक है तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उखाड़ेगा आपके टाइम पे किसी ना किसी का कोई ना कोई नेटवर्क भी होगा किसी ना किसी के कोई ना कोई दोस्त होंगे या फिर उनके कनेक्शन ऐसे होंगे या फिर वो बहुत थोड़े प्रोएक्टिव हो गए इन सब चीज़ों में नाउ दिस ऑल्सो कम्स डाउन टू द फैक्ट आर यू विलिंग टू डू सच थिंग्स इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होने वाली है हद से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है दिल्ली में बट आप वो करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू सो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होने वाली है आपके पास नीति आयोग से लेके कॉर्पोरेट इंटर्नशिप से लेके टू योर ओन इंटर्नशिप स्टार्टअप सारी चीज़ें आपके पास होने वाली है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट टीचर्स भाई टीचर्स के साथ तो इतना मतलब आई शुड से दिस की अभी जैसे अब क्या हो रहा है जो बहुत सारे प्रोमिनट टीचर्स थे जो आपके कैंपस के या फिर कॉलेज के जो भी फेमस फेमस टीचर्स थे जो काफ़ी टाइम तीस चालीस सालों से कैंपस में पढ़ा रहे थे उन वो अब लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दे व रीज़न जो इस यूनिवर्सिटी का इतना नाम बन पाया ठीक है वी आर नॉट श्योर कि भाई आगे आने वाले टीचर्स का कैसा होने वाला है कैसा टर्न आउंड होगा बट वो टीचर्स जो थे ना उन लोगों की कुछ बात ही अलग थी देव एक्सपीरियंस दे व फॉर द स्टूडेंट्स आपको वो अपने घर पे बुलाते हैं सब स्टूडेंट्स के साथ वो आपको बाहर कभी डिनर पे ले जाते हैं वो आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो आपसे स्टोरी शेयर करते हैं दे वांट टू हेल्प यू दे प्रोवाइड यू विद एवरी इन्फॉर्मेशन एंड समटाइम्स दे प्रोवाइड यू विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ कि यार आगे कैसे जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है तो टीचर्स की क्वालिटी इज़ इम्पेक्बल आप किसी से भी जाके पूछ सकते हो यूनिवर्सिटी हो बार हो अलमिनाए हो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं हमारे प्रोफेसर्स हैं एंड बाई गॉड्स ब्लेसिंग एवरी स्टूडेंट हैज़ दिस अपॉर्चुनिटी इन देयर कॉलेज लाइफ कि उनके पास कोई एक दो ऐसे टीचर्स मिल जाएं जो उनके मैंटर्स बन जाएं जिनके पास एक्सपीरियंस है जो चाहते हैं बच्चों की मदद करना बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर हमारे भी चार पांच टीचर्स हैं जिनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और वो कैसे बनती है जब आप क्लासेस में हाईलाइटेड रहते हो हाईलाइटेड ये नहीं मतलब कूद कूद के जा हो नहीं दे रियली टेक अबाउट कि भाई किसी भी स्टूडेंट्स को पीछे नहीं छोड़ना है किसी भी क्लास में कोई लड़का है शांत है तो उसको भी आगे लेके आना है उसको भी उठाना है अपलिफ्ट करना है क्लास के अंदर तो दीज आर द रीजंस कि टीचर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है एंड नाउ जैसे जैसे न्यू बैच और न्यू जॉइनिंग ऑफ टीचर्स हो रही है उसमें भी यार देख रहे हैं कि चौबीस पच्चीस छब्बीस साल के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो पी कर रहे हैं वो भी अस असिस्टेंट प्रोफेसर्स लग रहे हैं तो उनकी भी क्वालिटी के ऊपर आकर देखा जाएगा बट ऑलरेडी जो चीज़ें चल रही हैं दे आर वेरी ब्रिलियंट तो किसी की भी ऑनलाइन वीडियो का स्कैम का मानना नहीं है कि टीचर्स का स्कैम है नहीं कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इन स्ट्रक्चर अपनी उम्मीदों को जमीन के नीचे गाड़ दो यही मैं सिंपल सा कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रियली गुड एंड हार्ड फेल्ट पेन होता है कि यार क्या यूनिवर्सिटी का इतना नाम है अंडर थ्री हंड्रेड अंडर टू हंड्रेड वर्ल्ड रैंकिंग है हमारी बट फिर भी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है बट समझ भी समझ में भी आता है कि यूनिवर्सिटी हमारी सौ साल से ऊपर की है तो कुछ कॉलेजेस जो रिसेंटली बने हैं दे आर स्लोली एंड स्लोली वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं री इंकल्केटिंग ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू बिल्डिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स एंड रेगुलरली चीज़ें अपडेट हो रही हैं सो आई थिंक कि चार पाँच साल का और टाइम लगने वाला होगा जिसमें कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक अच्छे स्टैंड पॉइंट पर आएगा बट अभी जो स्टैंड पॉइंट है ना जो अभी करंट रियलिटी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट गुड ठीक है एंड दिस फील्स वेरी पेनफुल टू से बट दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी आप एक्सपेक्टेशन रखोगे वॉशरूम रहेंगे साफ हाँ बेसिक अमैनिटीज़ आपको सारी मिलने वाली है बट एक जो होता है ना कि यू थिंक अबाउट कि भाई ये एस्परेशनल आपने दिमाग में बना लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आएंगे ये होगा वो होगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा मोस्ट एस्थेटिक बिल्डिंग्स बट कहीं ना कहीं वो अब फेड आउट भी कर रही हैं दे नीड टू बी रेनोवेटेड और चेंज तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रियालिटी यही है तो so, इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी रियालिटी एंड विल ऑल्सो एड सम्लिप्स अबाउट द यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ कुछ कॉलेज में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ कॉलेज में थोड़ा ख़राब है कुछ कॉलेज में जेनवनली बहुत आउटडेटेड हो चुका है ठीक है एंड ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही ऐसा है हर कॉलेज की ए टू जी हर कॉलेज के अंदर यह इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू कहीं ना कहीं मिलता ही है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट अब मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि हाउ योर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टैकलिंग द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज तो एक कॉलेज में ऑन एवरेज दो तीन चार हज़ार के अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कोर्सेज दे प्रोवाइड तो अब मैनेजमेंट क्या करता है कि वही चीज़ है कि कॉपरेट इंस्टीट्यूशन नहीं है ये कि भाई हाँ बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ों से अपग्रेडेड रहें या फिर बिल्कुल लेटेस्ट तरीक़ों से अपग्रेडेड रहें चीज़ें आर ऑन मूव बिकॉज यहाँ पर पढ़ते हैं छः लाख सात लाख नौ लाख स्टूडेंट्स एंड टू मैनेज दैट अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड डेटा वेल बींग गवर्मेंट इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी टफ़ एंड समाइम्स हम लोग बहुत मज़ाक उड़ाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी का कि यार वेबसाइट नहीं खुल रही है रिजल्ट नहीं खुल रहे हैं क्रैक कर रही है यार क्या वेबसाइट है लोड नहीं हो रही समर्थ पोर्टल लोड नहीं हो रहा शीट कहाँ पर डालनी है माइग्रेशन प्रोसेस कैसा हो रहा है बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि थिंग्स आर वर्किंग थिंग्स आर ऑन द इम्प्रूवमेंट ठीक है एंड आर एडमिनिस्ट्रेशन आर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज रियली ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन इट डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी डिग्री हैज़ बिन डन धीरे धीरे वो भी एनरोल हो रहे हैं एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट द यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो बिंग अपडेटेड तो थोड़ा इशू है मैनेजमेंट की तरफ से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े से इश्यूज हैं बट ओवरऑल मैनेजमेंट का ये कह है सकते हैं कि इट विल स्मूथली कैरी आउट योर कॉलेज लाइफ जर्नी आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है यू विल गेट योर आई डी यू विल गेट यूर नोटिफिकेशन गेट योर कॉलेज एग्ज़ाम एडमिट कार्ड एंड ऑल द स्टाफ बट थोड़े थोड़े इशू होंगे जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन का काम पड़ेगा ना तो आपको चक्कर मारने ही पड़ेंगे और कुछ नहीं कहा जा सकता कभी कभी क्लासेज मिसमैनेजमेंट होगी आपकी अटेंडेंस में कभी इशू होगा कभी पेपर आप देने जाओगे तो कोई और ही पेपर आ जाएगा एग्जाम के बीच में क्योंकि अभी एग्जाम सीजन चल रहा है तो कल परसों का इशू है आप पेपर देने जाते हो किसी सब्जेक्ट का उसमें क्वेश्चन या सिलेबस आ जाता है किसी और सब्जेक्ट का तो ये बहुत ही मतलब एक कहना तो नहीं चाहिए बट ये कॉमन सी चीज़ हो गई है क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा एक्यूमलेशन ऑफ स्टूडेंट्स को मैनेज करना है तो यू कैन अज्यूम कि थोड़ी मिस्टेक्स होंगी ही होंगी बट ओवरऑल आई शुड से दिस कि योर कॉलेज लाइफ विल बी वेरी स्मूथ कोई दिक्कत ना आए अपने कॉलेज जाओ अटेंडेंस मेंटेन मेंटेन करो एडमिट कार्ड मेंटेन करो सारा आपका स्कोरिंग वगैरह सब मेंटेन रहेगी बट डेफिनेटली बहुत स्टूडेंट्स को बहुत सारे इश्यूज भी आ जाते हैं जिनको टैकल करने का भी मैकेनिज्म होता ही है हर कैंपस में उसका सेंट्रलाइज्ड एक यूनिट uh, होता है एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ का है नॉर्थ का है तो मैनेजमेंट इज़ ओवरऑल ओके वी वॉन्ट लाइक से कि बिल्कुल ही ऊपर नीचे है अब आते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पे ठीक है एग्जाम लाइफ अब एग्ज़ाम लाइफ के अंदर ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यार पढ़ाई का क्या प्रेशर है देखो भाई तुमको पढ़ना हो तुमको ना पढ़ना हो कोई दिक्कत नहीं है आखिरी के दो तीन दिन चार दिन अपनी टेन ईयर्स उठाते हैं बच्चे और पास होके आ जाते हैं ठीक है ये चीज़ होती है बट धीरे धीरे वट आई बिन सींग इज़ कि आप ये थ्योरी सब्जेक्ट पर तुक्का मार के आ सकते हो पर प्रैक्टिकल में क्या करोगे प्रैक्टिकल में भी आपको चलो बीस मार्क्स का मार्क्स वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स और ये सब होते हैं बट बाकी जो अस्सी परसेंट का आपका मैथमेटिकल है या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको कैसे करोगे तो कहने को इफ़ यू जेनवनली वॉन्ट टू लर्न अ सब्जेक्ट तो हमारे पास सिलेबस भी हमारा अपडेटेड है हमारे जो अकैडमिक टीचर्स हैं हमारा अकैडमिक स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है अपने फील्ड में सो द अदर डे आई विल टेल यू द स्टोरी आई वॉज गोइंग इन टू द मेट्रो एंड आई मेट दिस पर्सन है ही टर्न आउट टू बी अ प्रोफेसर एंड उन्होंने फिर बताया कि वो कहाँ पढ़ा आते हैं क्या सब्जेक्ट एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस कि वह बंदा पढ़ा कहाँ से हुआ है एंड ही स्टार्ट थिंग कि डेली यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेड करी फिर बैंगलोर से उन्होंने मास्टर्स करी फिर न्यूयॉर्क से उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी में अपनी जो आगे पढ़ाई थी वो करी एंड उसके बाद वो प्रोफेसर बन के आए हैं तो जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ पीपल इन आर कैम्पसेज कि न्यूयॉर्क से उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी बैंगलोर से उन्होंने पढ़ाई करी डेली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई करी द काइंड ऑफ एक्सपोजर ही ब्रिंग्स टू द टेबल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इस क्लास नाउ दिस इज़ वट रियली चेंजिस ऑल द गेम अबाउट

सिंपल एग्जाम देके आओ पास हो के आओ जी पी ए बनती रहेगी ठीक चलता रहेगा बट बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाओगे तो भाई बैक लगने में भी देर नहीं लगती है अटेंडेंस का रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ़नी इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो विल शेयर मोर अबाउट इट अटेंडेंस का भी इशू है ठीक है अटेंडेंस आपको रखनी ही पड़ेगी वरना हमारा अत्री सर आपको कर देंगे डिटेन ठीक है अटेंडेंस का इशू है अटेंडेंस का इशू है मतलब कि आपके अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में भी इशू आएगा बट इतना ज़्यादा कुछ ना टफ़ नहीं है यू हैव ऑलरेडी क्रैकड समथिंग आप सी या फिर क्लास ट्वेल्थ में इतना करके आ चुके हो कि यू हैव दिस एटीट्यूड कि भाई देख लेंगे हमेशा टॉपर ही रहें बट स्कोर आपका नीचे ही रहने वाला है इतनी ज़्यादा हाई फाई इमेजिनेशन मत रख लेना कि भाई बहुत तगड़ा ही फाड़ के आ जाएंगे पढ़ाई की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की ज़रूरत है एंड अगर पर्सनली भी इंसिस्ट करें तो वट एवर द बुक्स दैट आर इन योर रीडिंग लेस और द टीचर्स आर टीचिंग वो बहुत जेनवनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक्स होने वाली हैं एंड अगर आप उनको सीखते हो पढ़ते हो तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम बट ऑल्सो हेल्प यू इन योर करियर एज़ वेल बिकॉज पढ़ोगे तो टीचर्स से भी कनेक्शंस बनेंगे वो और अपॉर्चुनिटीज़ और खोलेंगे यू विल बी अ एजुकेटेड पर्सन ऐसा ही नहीं कि बस फॉर द सेक ऑफ़ पढ़ा लिखा और एग्ज़ाम दिया है तो ये एक चीज़ है एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है बट देयर इज़ डेफिनेटली नो सच थिंग एज कि फ्री में जाके पास हो जाएंगे नहीं आपको पढ़ना ही पड़ेगा लेट्स कम टू प्लेसमेंट्स अब भाई सच पता ना तो हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल होता है काम वाम कुछ नहीं करना होता उनको बस फेक वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करा देते हैं बच्चों की प्लेसमेंट लगवाओ ना यार क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी का इतना नाम है इंडिपेंडेंट थोड़ी अप्रोच रखो यूनिवर्सिटी भी इसके रिगार्डिंग एक सेंट्रलाइज प्लेसमेंट चलाती है बट ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं पहुंच पाती तो जेनविनली दिस इज़ एन इशू प्लेसमेंट का इशू है डेली यूनिवर्सिटी में एंड इट्स मोर ऑफ लाइक कि अगर आप इनिशेटिव नहीं लोगे फॉर एग्जाम्पल इट्स टेक मी अगर मैं अपने कॉलेज जा रहा हूँ चुपचाप अपने दो साल तीन साल गया बढ़िया मज़े लिए पूरा कॉलेज लाइफ इन्जॉय किया और चुपचाप अपने डिग्री लेके आ गया ना तो कोई नहीं मिलने वाला प्लेसमेंट मतलब कोई पूछेगा भी नहीं कि भाई जॉब लग रही है, नहीं लग रही है अनटिल और अनलेस यू आर अवेयर इंडिविजुअल अवेयर स्टूडेंट कि प्लेसमेंट सेल ज्वाइन कर लेता हूँ इंटर्नशिप्स क्रैक कर लेता हूँ नेटवर्क बना लेता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको थाली में परोस के नहीं देगी डू यू हैव द कैलिबर एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज कॉलेज के अंदर पढ़ाई का कोई इशू नहीं है सब कॉलेज में सेम पढ़ाई है बट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स उनकी सोसाइटीज जैसे जैसे कॉलेज की जो इनेट रियालिटी है वो यहाँ पे हिट करती है कि आपको नॉर्थ की चूज़ करना चाहिए या फिर आपको साउथ के अच्छे कॉलेजेस की चूज़ करने चाहिए क्योंकि वहाँ पे कल्चर है जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें की जाती हैं ठीक है वहाँ के प्लेसमेंट सेल्स क्रैक करवाते हैं फॉर एक्ज़ाम्पल एल है लास्ट ईयर एल का बिगेस्ट पैकेज लगा था पैंतीस लाख का कुछ था तो कैसे लगा वहाँ की प्लेसमेंट सेल इतनी अच्छी थी कि उन्होंने ऐसी चीज़ें करवाई जहाँ से कंपनीज़ आई एंड दे टुक द स्टूडेंट्स एंड ये कैसे है कि वहाँ के स्टूडेंट्स भी उस एकेडमिक प्रेशर में रहते हैं कि दे हैव टू परफॉर्म दे हैव टू बिल्ड अ कोकरिकुलर एक्टिविटी इंटरेस्ट दे हैव टू बिल्ड दे रिज्यूम है एंड वहाँ इंटरनल कंपटीशन है हेल्दी कंपटीशन है स्टूडेंट्स के कि यार हमें क्रैक करना है तो इस वजह से एल का नाम ऊपर आता है इसलिए नहीं आता है कि भाई हाँ बस सुंदर सुंदर लोग हैं या फिर नॉर्थ कैंपस है तो सुंदर इस्थेथिक्स है कुछ भी The sole reason is the academic quality of people, the inner competition, and a healthy environment to flourish individual students. Placement, आप बिल्कुल expect मत करना कि आपका college आपको हाथ में पकड़ा के देगा. Simple as that. If you have the caliber, if your placement cell is active, and you are being very proactive in the placement process, तो आपको job मिल सकती है college के अंदर से. वरना अपना bag था PG से निकलो और घर जाओ वापस. Simple as that. There is no lying about it. Now coming to our final point. It's farewell एंड फेयरवेल टू दिस वीडियो एज वेल फेयरवेल तक आते आते ना यू वुड सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ अगर आप अच्छे खासे मतलब आउट गोइंग स्टूडेंट रहे कॉलेज के सोसाइटीज़ में पार्ट लिया कॉलेज लाइफ को इन्जॉय किया इंफ्रास्ट्रक्चर uh, देखते रहे कॉलेज में घूमें फेस्ट वगैरह में घूमें सब चीज़ों के बारे में घूमें तो आप एक डिफरेंट कम्प्लीटली डिफरेंट इंडिविजुअल बन के निकलोगे एंड देर विल बी नो डाउट कि आप गाँव से आए हो सेमी अर्बन सिटी से हो कहीं से भी आए हो कोई दिक्कत नहीं है हमने देखा है कि एक गांव से आया हुआ स्टूडेंट भी इतना इंटेलेक्चुअली साउंड बन जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है एंड वी फील कि यार हम लोग तो ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर से पढ़ के आए थे हाउ इज़ ही एबल टू डू इट तो तीन साल इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट तो फेयरवेल तो आते आते यू विल बी अ कम्प्लीटली चेंज मैन और अ वमन इट विल बी सीन बाई योर पेरेंट्स एज बिकॉज उन्होंने आपको कुछ करने को भेजा है एंड वो देखेंगे कि आप बदल रहे हो आप इम्प्रूव कर रहे हो लाइफ में तो ये सच्चाई वाली चीज़ है कि फेयरवेल तक आप बदलना चाहते हो अपने आप को एंड फेयरवेल वही जो बेसिक हमारा फ्रेशर की डिपार्टमेंट फेयरवेल हो जाएगी एंड बट तब तक आपकी दोस्ती यारी बन जाएगी तो अनऑफिशियल फ्रेशर्स या फेयरवेल दोनों आप करा सकते हैं हाँ ये फ्रेशर्स वाली बात थी कि अनऑफिशियल फ्रेशर्स आपके सीनियर्स करवाते हैं ठीक है तो उसको भी हम लोग और डेप्थ में आगे डिस्कस करने वाले हैं फेयरवेल आपकी बेसिक हो जाएगी आपको खाना खिलवा देंगे आपको आ, ब्रंच करवा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा या फिर आपको लंच करवा देंगे और सिंपल डांस परफॉर्मेंसेस एंड रैंप वॉक एंड ऑल दैट उससे ज़्यादा कुछ नहीं तो ये एक रियलिटी थी लोग लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ डेली स्कैम तो यूनिवर्सिटी ऑफ डेली इज़ नॉट स्कैम फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टॉप डूइंग दैट हमें पता है हमारी यूनिवर्सिटी क्या है हाँ हमें पता है इसके इशूज़ क्या हैं हमें पता है कि यार यहाँ पर क्या समस्या है या इन्फ्रास्ट्रक्चर की समस्या या मैनेजमेंट का इशू आ रहा है या फिर कोई और इशू आ रहा है बट एट देंड ऑफ़ द डे हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसे आगे बढ़ रही है बिकॉज द यूनिवर्सिटी हैज समथिंग इन इट एंड वी हैव सीन इट वी आर द यूनिवर्सिटीज रिसोर्सेज दैट्स गोना मेक द वर्ल्ड चेंज दैट्स गोना मेक द नेशन कम फॉरवर्ड एंड वी अंडरस्टैंड कि जो भी लोग होते हैं दीज आर जस्ट आफ्टर व्यूज़ एंड हम खुद भी इसको इसका जो थमने लोगों वो ऐसा ही डालने वाले हैं बट द पॉइंट इस हमारे पास इतनी अथॉरिटी तो है इतनी ग्राउंड रियालिटी तो है कि यार हम लोग छः सात साल से इस यूनिवर्सिटी में हैं अपना स्टार्टअप कर रहे हैं अपनी आगे की पढ़ाई कर रहे हैं अपने मास्टर्स कर रहे हैं अपना अंडर ग्रेजुएट किया है कोई बाहर का आके जिसने आज तक देखा नहीं कैंपस में खड़ा होकर बात नहीं कर सकता वो कैसे आके बोल सकता स्कैम है तो प्लीज़ स्टॉप लिसनिंग टू पीपल जो बाहर अपने घर के स्टूडियोज़ में खड़े होकर बोल देते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ डेली में स्कैम है वह एजुकेशन अच्छी नहीं है ये चलता है वो चलता है अननेसेसरी ड्रामे होते हैं पॉलिटिक्स होता है लड़ाइयाँ होती है भाई तुम अपने घर बैठो हम लोग देख रहे हैं हमें पता है क्या रियलिटी है एंड वी आर वेरी ओपन अबाउट इट कि हमें एक्नॉलेज होता है कि क्या इश्यूज़ हैं बट कोई बाहर का आके इसको कॉल आउट करे वी डोंट वांट इट वी आर केपेबल इनफ कि हम चीज़ों को खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अपने इंस्टीट्यूशन से कॉल आउट कर सकते हैं थैंक्स फॉर योर सोशल मीडिया ओपिनियन की इस दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कैम डेफिनेटली नो आइडिया इन चीजों को ना हम और अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे एंड वी होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगी एंड डेफिनेटली डू टेलर की यार। क्या कंटेंट में ऑनेस्टी और आ सकती है क्या और चीज़ें आपको जाननी है क्या पूछनी है बिकॉज हद से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हो गए यार मैं तो बुलाना चाहता हूँ कि आओ बैठते हैं कैंपस में बात करते हैं क्यों नहीं करते हैं अपने घर के ऑफिस office, ऑफिसिस में बैठ के बस कोर्स बेचने का काम है क्या आपका हम यहाँ पर स्टूडेंट्स का हेल्प करते हैं पूरे तीन साल बैठ के उनको अपडेट्स मीडिया हाउसिंग एंड ऑल दैट थिंग करते हैं बट आप लोग वहाँ पर बिजनेस मॉडल बना के यूनिवर्सिटी की इमेज ऊपर नीचे कर रहे हैं तो विल पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जो आपके साथ में हैं कि देर इज़ दिस स्पेस कॉल्ड ड्यू टूडे जो स्टूडेंट्स को उनकी ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाला है जो अपकमिंग डेली यूनिवर्सिटी है अभी आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं एंड फॉर दी अपकमिंग थ्री इयर्स जो आपकी तीन साल की कॉलेज जर्नी रहेगी उसके लिए यू कैन फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम चैनल ड्यू डॉट टूडे वहाँ पर हम लोग एक लाख स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट्स और हमारी कम्यूनिटी है जो स्टूडेंट्स को अपडेट रखते हैं हम उसमें सो so, आई होप यू फील की यार यीडियो ठीक थी हम लोग आधे घंटे से इसके बाद कर रहे हैं एंड जस्ट लवली टू बी इन कैंपस आर्ट फैकल्टी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ सी यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ पॉसिबल थैंक यू